नमस्कार ऑल द स्टूडेंट, माय सेल्फ उमेश कंवर शिखावत एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच द नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 3 इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज. नाउ द टुडेज टॉपिक इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100. मोर देन 100 जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको सबको नाम दिया गया है. फॉर एग्जांपल दैट इज हाइड्रोजन, एच इज द सिंबल एंड द हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो सभी डिस्कवर्ड है और सभी के अपने नाम दिए गए. तो ये नोमेनक्लेचर जो किया गया है, मोर देन 100 जो आगे डिस्कवर होंगे, जो डिस्कवर हो रहे हैं, जैसे जैसे हो रहे हैं, साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग उनके नाम देते हैं और उनके उनको सिंबलाइज करते हैं. बट द ऑन द बेसिस ऑफ द IUPAC दैट इज द नोमेनक्लेचर टेक्निक, सो उसके बिहाफ पे जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, डिस्कवर जो आगे डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स या डिस्कवर हो चुके हैं कुछ के, तो उनके IUPAC के बिहाफ पे नोमेनक्लेचर शो किया गया, इन विच द डिजिट जीरो के लिए दैट इज निल एंड द एब्रीविएशन यूज दैट इज एन, वन दैट इज अन एंड द एब्रीविएशन यूज दैट इज यू, टू बाय दैट इज बी, थ्री ट्राई दैट इज टी, एंड द फोर दैट इज क्वाड इज यूज एब्रीविएशन इज क्यू, एंड द फाइव पेंट दैट इज पी, दैट इज सिक्स हैग्स दैट इज एच, and the 7 is a sect and the abbreviation used as a S, and the 8 that is oct that is O, and the 9 that is N that is E that is in E used as an abbreviation. For example, that is a, if the atomic number is 104, 104 का एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, अगर वो डिस्कवर नहीं है, उसको कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई सिंबलाइज नहीं किया है, तो वी कैन सिंबलाइज थ्रू दिस मेथड. फॉर एग्जांपल दैट 104 इज एटॉमिक नंबर, 1 मींस दैट इज UN, सो वी विल यूज दैट इज 104 दैट इज 1 के लिए यूज करेंगे दैट इज अन, एंड द 0 दैट इज निल, सर निल. फॉर 4 दैट इज अ 4 दैट इज क्वाड दैट इज QUAD क्वाड, एंड प्लस IUM दैट इज अ IUM. यानी जितना भी नंबर आएगा उनके वैल्यूज उनका जो रूट नेम है वो पुट करेंगे एंड देन एड लास्ट इन द लास्ट इट इज IUM. सो द नेम इज अन निल क्वा क्वाडियम, दैट इज द नेम ऑफ द 104 एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट. सो दैट इज अन निल क्वाडियम. नाउ द सिंबलाइज, अब अगर हम इसको सिंबल करके लिखते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन को एच लिखते हैं, वैसे ही हम इसका फुल नेम हो गया अनिल क्वाडियम, एंड द इसका जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज UN इज यू, एंड NIL दैट इज N, एंड द क्वाड इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू, इट मीन्स दैट UN Q. That is the symbol of the atomic number of 104's fourth element. इसी तरीके से हम other elements के लिए भी nomenclature कर सकते हैं. For example, that is a 115. That is 115. So 1 के लिए अगर हम use करते हैं, that is un. अगेन 1 के लिए अन, एंड द 5 इज यूज दैट इज पेंट, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज अन अन पेंट प्लस IUM, सो द नेम इज अन अन पेंटियम, एंड द सिंबल फॉर दिस नेम दैट इज यू
UP. That is UUP. That is UUP. So, by this values and the abbreviation digit root name, we can give the name of any atomic number element which is discovered or not discovered. The next topic, the next point is the valency. What is the valency? Valency is the combining capacity of any element. जो भी elements हैं उनकी combining capacity is called as a valency. And the word is derived from the Italian word that is a valentia. That is valentia. It's an Italian word which means the combining capacity. Combining capacity. For example, जब हम hydrogen की बात करते हैं, the hydrogen have the one combining capacity, it means that hydrogen have the one valency. For example, chlorine also have the one valency, it means that the one combining capacity. इसी तरीके से जितने भी elements हैं in the periodic table, they have the combining capacity और वो जो combining capacity है वो ही उसकी valency कहलाती है. For example, that is NaH. It means that one sodium atom combined with the one hydrogen atom. It means that the valency of sodium is 1 and the valency of hydrogen is also 1. So next example is MgH2. That is MgH2. It means that the 1 Mg atom attached with the 2 hydrogen atom. It means that hydrogen have the 1 valency. Hydrogen have the 1 valency. But the magnesium have the 2 valency. It means that the 2 atoms can combine with the magnesium. That is the valency of the magnesium is 2. The next example, the PCl3 and the PCl5. यानी हम कह रहे हैं कि जो वैलेंसी है वो हमेशा एक नहीं होती. कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, कई ऐसे एटम्स हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं. फॉर एग्जांपल फास्फोरस. फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, PCl5. इट मींस दैट फास्फोरस कंबाइंड विद द 3Cl एंड आल्सो कंबाइंड विद द 5Cl. It means that Cl की तो 1 है यहाँ पे valency, but phosphorus have the 5 valency and the here the phosphorus have the 3 valency. These are the valencies of the different elements and many elements show that the more than 1 valency. Now today's homework is, the question number 1 is, what would be the IUPAC name and the symbol for the elements with atomic number 120 and the 117, that is 120 and 117. Now the question number is second is, write the valency for the atoms or elements in the following molecules. First is Na2O and the SiCl4. Dono ki batani hai, Na2O, that is sodium and also oxygen, and the silicon and also chlorine. Thank you very much.